ठीक है तो दिस दिस इज इज वेरी फैसिनेटिंग दिस वेरी फैसिनेटिंग सी आई हैव डन नथिंग एंड इट हैज जनरेटेड द लेआउट कि आप ऐसा कुछ सिर्फ एक प्लग और एक क्लिक से आपको इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं तो यू हैव ह्यूज वैरायटी इट हैज ऑफिशियली जनरेटेड द थ्री डी माइ गॉड मतलब ये तो दिस इज रेवोल्यूशन एज ए सिविल इंजीनियर एज एन आर्किटेक्ट आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आप प्लानिंग करते हैं कोई भी एक परफेक्ट एरिया दे दिया तीस चालीस या चालीस बाय पचास जितने का भी है और फिर उसके हिसाब से पूरे घर को प्लान करते हैं उसमें रूम्स देना उस पूरे स्पेस का यूटिलाईजेशन करना कहाँ बेडरूम दू कहाँ बाथरूम दू कहाँ किचन प्लेस करना है वो सब हम उसी चीज़ों में टाइम लगा देते हैं वास्तुशास्त्र का भी हेल्प लेते हैं एंड इट टेक्स क्वाइट वायल्थ और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और आप ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसा टूल होता जो ये काम घंटों में नहीं हम सेकंड्स में ही कर देते ऐसे फिर आप सोचते कि ये सब तो ख्याली ही है ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा मैं सच बताता हूँ आप देख के ये चीज चौकने वाले हैं हाँ तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के ऐसे लगिन के बारे में बताने वाला हूँ

टूल है ये और इस प्लग की हेल्प से हम कैसे प्लानिंग करेंगे और किस प्रकार से इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं डाउनलोड कहाँ से करना है कौन सी वेबसाइट है क्या नाम है वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लगइन का मैं नाम बता देता दैट इज द प्लान फाइंडर करके इस प्लगइन का नाम है वेबसाइट का नाम भी कुछ वही है और इसको हम डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल भी मैं बताऊंगा क्या प्रोसीजर है बिल्कुल सिंपल सा ही ऐप है वो डाउनलोड करेंगे और कैसे उसके ऊपर काम करना है कैसे उस उसमें वर्क करना है किस प्रकार से आप उसमें डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बस कुछ फ्यू क्लिक्स के अंदर हम एक नॉर्मल सा प्लान जनरेट कर सकते हैं वुड बी ऑटोमेटिकली यू हैव टू डू नथिंग ठीक है आपको बस एक स्पेस प्रोवाइड करवाना है तो वो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ठीक है और अगर आप सोच रहे हैं कि ए ये सब कर रहा है तो अब हमारी क्या जरूरत है भाई हम कैसे जॉब लगेंगे हमारी जॉब जॉब चली गई तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई स्किल्ड इंसान बनो ठीक है अगर स्किल्ड नहीं बनोगे अगर आपने मेहनत नहीं करी करियर के प्रति सीरियस नहीं हुए तो आप तो फिर बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो इससे अच्छा यही है कि आप है ना पीटीएस एक्सपर्ट ऐप इंस्टॉल करें वहां पे ना बहुत सारे कोर्सेज हैं वैरायटी ही वैरायटी है इतनी वैरायटी है कि जितना आप अपने खाने में एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे ठीक है और सच बताऊं तो वहां पे आपको इतने सारे कोर्सेस मिलेंगे कि आपको जो बनना है आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है आपको प्लानिंग करनी है आपको सिविल इंजीनियर बनना है आपको बिलिंग का काम करना है आपको टेंडर मैनेजमेंट करना है आप जो करना चाहें जो सीखना चाहें सिविल फील्ड में

अगर क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ सर्टिफिकेट तक ही सीमित नहीं रहेगी प्लस हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे प्रोजेक्ट फाइल्स प्रीमियम फाइल्स जो उसकी टेम्पलेट है वो सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको ऐसा कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलने वाला ठीक है तो वॉट आर यू वेटिंग फॉर यू कैन चेकआउट द कोर्स ऑन द पी का एक्सपर्ट ऐप इवन रेविट एम का कोर्स अभी करेंटली चल रहा है लाइव Which is is uh, on the the 7 p.m. p.m. to 8 You can check out the course link is in उटर्स इन दिप्शन अब इस एप के बारे में और इस ए आई टूल के बारे में जरा जानते हैं कि क्या क्या कर सकता है वैसे तो ये कहना चाहिए कि क्या क्या नहीं कर सकता सवाल तो ये होना चाहिए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं the ऑफ so, 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 and सो started. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो एज यू कैन सी स्क्रीन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंडर करके मैंने वेबसाइट खोल रखी है इस वेबसाइट का नाम है uh, बड़ा नाम है है इंटरेस्टिंग ठीक है हम पे नहीं जाएंगे तो ये बेसिकली आप देख सकते हो एक uh, एक फ्री प्लग है ये ठीक है uh, फ्री प्लग भी नहीं कहेंगे पेड है ये मैं बताऊंगा कि क्या है तो जैसा आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको इस वेबसाइट के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें ठीक है ऑटोमेटिक प्लान जनरेट करता है ये तीन सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर के लिए है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक क्लिक फिट कर सकता है ये ठीक है फर्नीचर जो फर्निशिंग का काम है वो भी इसमें अवेलेबल है ठीक है फेवरेट सॉफ्टवेयर जैसे आपका रेवेट और राइनासोरस थ्रीडी और ग्रास थ्रीडी इन सब के लिए अवेलेबल है ये ठीक है तो फ्री ट्रायल के लिए अभी और इसमें क्या क्या प्लान्स है आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं प्लानिंग के लिए पहला तो क्या है कि तीस दिन का फ्री ट्रायल प्लान है आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और अगर आपको प्रो चाहिए मान लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे तो फोर्टी नाइन यूरो दे के आप उसको विद वेट टैक्स आप खरीद सकते हैं आ, काफी महंगा है वैसे तो सस्ता नहीं होता यूरो बहुत हाई है प्राइस है भाई अमीर लोग ही खरीद सकते हैं बाकी अगर आपको कुछ कस्टमाइज चाहिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको करवा सकते हैं और पे भी उसी हिसाब से होगा तो ये थ्री प्लान्स हैं तीनों प्लान्स में से आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है तो अगर आपको बिल्कुल फ्री चाहिए तीस दिन का फ्री ट्रायल चाहिए तो आप फ्री के लिए चेकआउट कर सकते हैं ठीक है यहाँ से क्लिक करेंगे क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड के लिए आ जाएगा राइवेट मैं 2023 के लिए कर रहा हूँ वैसे तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है बस करना कुछ नहीं है क्लिक करना है और यहाँ पे इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा ठीक है जैसे आप डाउनलोड करेंगे मैंने ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी इसको अपने पीसी पे सेव कर रखा है करके कुछ नहीं करना डबल क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे कंटिन्यू टू इंस्टॉल इंस्टॉल ठीक है सिंपली इसको कुछ नहीं करना आपको इंस्टॉल पे करना है एंड ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट करें ऑलरेडी मैंने कर रखा है वैसे तो, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको ठीक है ऑलरेडी तो किया हुआ है तो मैं इसमें दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा सिंपल ही है मतलब ऐप जैसे आप इंस्टॉल करते हैं जनरली आप वैसे ही करेंगे ठीक है चलिए अब आते हैं अपने रेवेट वाले पे मैंने मैं जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो रेवेट कर रहा हूँ वैसे तो ये बाकी तीन सॉफ्टवेयर के लिए भी अवेलेबल है दैट इज राइना राइनो थ्री जिसको हम जो जनरली बोलते हैं और एक ग्रास ओपर के लिए भी है ठीक है ग्रास ओपर सॉफ्टवेयर आता है एक और ये जो ऐप है ये जो मैं ऐप का नाम बता दूट इज प्लान फाइंडर जो प्लगइन है 2023. App, okay? तो अगर हाँ चाहते इसको करना तो 2023 के लिए अवेलेबल है चलिए अब आते हैं यहाँ पे तो मैंने अभी फिलहाल के लिए एक सिंपल यहाँ पे एक टेम्पलेट ली है बहुत ही डिफॉल्ट टेम्पलेट है इसमें कुछ भी सेट नहीं कर रखा और यहाँ पे हम आते हैं प्लान फाइंडर के ऊपर ठीक है जैसे आप प्लान फाइंडर पे आएंगे यहाँ पे तो पहले तो आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी वहां पर ठीक है नॉर्मली आपको वहां पे आईडी बनानी पड़ेगी मैंने वैसे आई डी लॉग इन कर रखी है तो जैसे ही मैंने मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं ठीक है यहाँ पे पहला है फिट एंड जनरेट ठीक है ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं इसमें काफी सारे ऑप्शन और मिलेंगे सब ऑप्शन और मिलेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे तो पहले हम कुछ बना लेते हैं यहाँ पर ताकि कुछ जनरेट तो हो यहाँ पे तो ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पे वॉल ले लेता हूँ ठीक है और मैं यहाँ पे लूंगा रेक्टेंगल और शेप और जो हाइट है हाइट ले, ले लेंगे लेवल टू तक और लेवल टू हमारा दस फीट तक है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस प्रकार से हम क्लिक कर क्रिएट कर लेंगे ठीक है और प्लान का साइज रखते हैं लेट सपोज मैं यहाँ पे जो विर्थ है इसकी वो हम ले, ले लेते हैं ट्वेंटी फीट ठीक है और इसका जो वर्थ है वो ले, ले लेते हैं तीस फीट का ठीक है और ये हमारा एरिया ओके आई टू जस्ट प्लान हियर ये हमने एक सिंपल वॉल वॉल ड्रॉ की है इसमें हमें प्लानिंग करनी है अब जनरली हम लोग क्या करते हैं हम यहाँ पे वॉल लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट प्लानिंग हम डिस्टेंस देखते हैं कोई ऑटो प्लान इंसेट करते हैं जनरली यही होता है लेकिन अगर मैं प्लान फाइंडर में जाता हूं और यहाँ पे आता है एक ऑप्शन फिट ठीक है तो जैसा फिट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा करसर का ऑप्शन आएगा एंड यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड देन सेकंड कॉर्नर पॉइंट अब जैसे ही आप इस कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली मैंने कुछ नहीं किया यहां पे ऑटोमेटिकली इट इज जनरेटिंग अ प्लान ऑटोमेटिकली ठीक है बहुत कुछ है यहां पे यहां पे आप देख सकते हैं आपको एक पूरा प्लान दिया हुआ है यहां पे आप एक लिविंग रूम बन के आ रहा है यहां पे एक बेडरूम मतलब बेसिकली वन बीएचके हम इसको बोल सकते हैं बाथरूम भी है अलग से यहां पे और एंट्रेंस है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर लिविंग स्पेस है और बाकायदा इसमें फर्नीचर भी दिया हुआ है मतलब फर्नीचर लेआउट ऑटोमेटिकली बन रहा है इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अलग से ठीक है तो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग दिस इज वेरी फैसिनेटिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बेड्स कैसे चाहिए स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए तो जैसे जनरली हम स्टूडियो अपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए उस हिसाब से आ गया ठीक है टू बी एच वन बी एच के करना है तो वन बी एच के आ गया यहाँ पे ये यह देखिए वन बेडरूम ठीक है और लिविंग रूम अलग से हो गया यहाँ पे टू बी के करना क्योंकि रूम के साइज के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है फिर बाथरूम्स कितने चाहिए वन टू जैसा आप चाहें मेरे को चाहिए जैसे कि एक बाथरूम ही चाहिए तो एक ही बाथरूम के साथ यहाँ पे अटैच होगा अगर आप ज्यादा अच्छे शौकीन है मान लीजिए आपको दो बाथरूम्स चाहिए तो आप दो बाथरूम भी कर सकते हैं देखिए किस प्रकार से एडजस्ट हुआ ये तो एक इसके साथ अटैच हो गया और दूसरा अलग हो गया ये देखिए दो दो बाथरूम्स के साथ ठीक है फिर यहाँ पे आप कंट्री मेंशन कर सकते हैं जैसे कि नैदरलैंड हो सकता है डेनमार्क हो सकता है आपका यूके हो सकता है अब जो लोग वहां से देख रहे हैं इफ वाचिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री लाइक दिस फ्रॉम डेनमार्क नैदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और और कोई दूसरी कंट्री से है तो वो भी यहाँ पे आपको मैंशन दिया हुआ है ठीक है फिर यहाँ पे आता है मिनिमल एरिया मीटर स्क्वायर के हिसाब से फिर यहाँ पे बेडरूम का भी आप सेम कर सकते हैं बेडरूम का भी जो है साइज वगैरह बढ़ाना चाहें इंक्रीज करना चाहें तो वो भी इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे तो वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके साथ साथ अब अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे ये क्या है एरोज है अब आप जनरली जब आप प्लान बनाते हैं जो लोग आर्किटेक्ट है उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अः हम एक जब प्लान बना लेते हैं तो क्लाइंट कभी सेटिस्फाई नहीं होता वो कहता है कि नहीं ये वाला प्लान नहीं हमें दूसरा वाला प्लान दिखाओ हमें तीसरा वाला प्लान दिखाओ और हम कोशिश ये करते हैं कि हम बहुत सारे ऑप्शंस बनाएं और ऑप्शन बनाने में तो मैं मैं सच पढ़ता तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आपके पास जब ऐसी दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी यू हैव योर प्राइवेट सॉफ्टवेयर तो क्लिक करो देखो एक और हमारे पास ऑप्शन आ गया एक और देखिए एक और देखिए एक और देखिए मतलब मैं 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 चाहूं तो इसका पूरा लिस्ट बना सकता हूं ठीक है थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं एक और देखिए एक और देखिए ठीक है आई एम डूइंग नथिंग ईयर एंड इट जनरेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नंबर है मैं बता दूं कि ये टोटल थर्टी प्लान मतलब एक एरिया का आपके पास टोटल अभी तो ये कुछ भी नहीं है अभी और मैं आगे दिखाऊंगा तो और देखते हैं इसमें ये देखिए आपके पास ये कि और एक और प्लान आ रहा है एक और एक और मतलब सब प्रॉपर लेआउटेड में है प्रॉपर लेआउट है सबका एवरीथिंग इज प्रॉपर प्लान ठीक है हो सकता है कुछ एरर्स इसमें आपको मिल जाए आपके फोके लेकिन यू कैन रेक्टिफाई आफ्टर दिस थिंग ठीक है अब देखिए मतलब यू कैन शो योर क्लाइंट कि हाउ हाउ यू वांट टू यू नो जो आप चाहते हैं कि किस प्रकार से उनको प्लानिंग चाहिए ये देखिए प्रॉपर लिविंग स्पेस मतलब जो पूरा लिविंग स्पेस है वो भी उसमें छोड़ा हुआ है मतलब 20 हमने 30 बाय 20 का पूरा प्लान लिया है और उतने से एरिया में इसने 1 बीएचके तैयार कर दिया ठीक है तो ये आप देख सकते हो आगे और चलते हैं और आगे चलते हैं ठीक है और आगे देखिए ये देखिए मतलब यू यू हैव नो लिमिट हियर और ये ट्रायल वर्जन वर्जन में है, पेड खरीदोगे तो पता नहीं आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें ठीक है इवन आई एव हर्ट की पेड वर्जन में आपको इससे भी कहीं ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं ठीक है तो यू कैन सी इजिली ओके ठीक है अब आप देखिए जैसे जैसे हम प्लान चेंज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेआउट जनरेट कर रहा है है ठीक ये देखिए कितने सारे ऑप्शन इट्स अमेजिंग तो यहाँ पे टोटल तीस प्लान देखे हमने और तीस में से आप कोई भी जो चूज करना चाहो जो आपको क्लाइंट का अच्छा, अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो अच्छा इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जैसे सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको वॉल टाइप क्या रखना है ठीक है वॉल टाइप कैसा रखना है डोर टाइप आप यहाँ पे बता सकते हो विंडो टाइप आप यहाँ पे बता सकते हो ठीक uh, है इसके बाद स्केलिंग ये सेटिंग्स होती हैं कि आपको जो है स्केल कितना करना है अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू डॉट ब्लू लाइन जो है सॉरी ये शो करता है कि अगर प्लान आपके इससे बाहर चला गया तो फिर वॉल्स प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होंगी तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा भी तो ये स्केल थोड़ा ज्यादा कर जाएगा ये देखिए स्केल थोड़ा ज्यादा कर जाएगा फिर प्रोसेस के हिसाब से ये देखिए जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं एंड उस हिसाब से जस्ट मी ए अब देखिए ठीक है अब मैं इसको बढ़ाता हूं अगर थोड़ा सा भी आगे की तरफ अब स्केल करता हूँ तो इसमें चेंज मिलेगा फिर प्लांट्स कितने चाहिए वो आप बता सकते हैं ठीक है वो सब यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई है ठीक है ये देख सकते हो मतलब प्लांट का साइज चेंज किया तो कितना इफेक्ट कर गया ठीक है और अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो देखो पूरा स्केल कर दिया ये देखिए ठीक है तो अप स्केलिंग एंड डाउन स्केलिंग में ये होता है बेसिकली उसके बाद यहां पे इसको छोटा बड़ा करना उस सब का यहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है चलिए तो अब यहां पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कोई एक प्लान चूज करते हैं लेट सपोज मैंने यही चूज किया एंड क्लिक ऑन ओके एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड नाउ इट विल जनरेटेड वेट फॉर इट सी आई हैव डन नथिंग एट and it has generated the layout, okay? even आप देख सकते हैं आपको पूरा मतलब के साथ आ रहा है। मैंने तो टेक्सट भी नहीं दिया, दिया, दिया। ठीक है हम जनरली क्या करते हैं हम text लिखते हैं टैग लेके आते, है, ले आते हैं रूम टैग लेके आते हैं ठीक है वो सब भी कर दिया फर्नीचर लेआउट भी कर दिया तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ साथ में जो शायद आपको देखकर चौंक जाओगे let's go into the 3d and let's see the magic it has created let me show you into the detail and into the realistic way and it has officially generated the 3d <laughs> oh my god yeah. this is revolution manak kusni kia i have done nothing i just प्लान एंड इट अगर आपको याद हो तो प्राइवेट वाला आपने देख, नहीं देखा है तो जाके देखना काफी इंपॉर्टेंट है और वो रेंडरिंग्स के रिकार्डिंग था ये प्लानिंग के रिगार्डिंग है भाई क्या हो रहा है ये आई एम नॉट ओवर रियक्टिंग हो गई मैं ओवर रियक्ट नहीं कर रहा बट इट इज फैसिनेटिंग मतलब ये काफी यूनिक है ये देखिए मतलब आप प्लानिंग्स के हिसाब से, से कर सकते हैं मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू इसने अप्लाई किया है ठीक है और मैं बता दू कि इनमें से एक भी कंपोनेंट रेबिट का है ही नहीं एक्सेप्ट दीज डोर्स इन डोर्स को अगर मैं छोड़ दू तो जो भी कंपोनेंट यहाँ पे आप देख रहे हो इनमें से एक भी कंपोनेंट रेबिट का खुद का नहीं है ये सिर्फ प्लान फाइंडर का कंपोनेंट है मतलब आपको तो कंपोनेंट डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब कहा आप रेबिट सिटी कहाँ आप बिम ऑब्जेक्ट कहाँ आप जा रहे थे वहां पे यू हैव टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी पार्ट एंड गो मतलब यूनिक है काफी यूनिक है अपने आप में यू कैन सी दैट ठीक है तो मतलब ये बहुत ही छोटा सा एरिया में हमने बनाया है ये काफी यूनिक है और अगर आप सोच रहे हो कि लाइक ये तो चलो ठीक है हमने बहुत छोटा प्लान लिया है एक और एग्जांपल लेता है साथ में लेट सपोज लेट्स टेक अ मच बिगर प्लान नाउ तो सेम हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पूरा एरिया बना देते हैं ठीक है लेट सपोज दिस इन इज इन एरिया और इस बार में इसका जो साइज है लेट सी द साइज साइज मैं इसका रखूंगा लेट सपोज फोर्टी फिट ओके ज़्यादा चला गया मैं इसको थोड़ा साइड में ही कर लेता हूँ एम एंटर सेलेक्ट करेंगे एम ठीक है इसको मूव कर लेते हैं ठीक है एंड नाउ मैं क्या करूंगा जो इसका लेंथ है जो इसका लेंथ है मैं कर लेता हूँ, अप्रोक्स 40 ठीक uh, है 40 फीट एंड सॉरी विड्थ है 40 फीट एंड लेंथ इज गोइंग टू बी 50 फीट ठीक है थोड़ा सा ये क्रॉस कर गया इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं इधर, एंड नाउ क्लिक अगेन मैं चलो कोई नहीं इसी में ही कर लेंगे मैं बस बढ़ा रहा हूं इसको ठीक है नाउ लेट्स डू इट अगेन तो मैं फाइंडर में जाऊंगा यहां पे आता है फर्निश्ड uh, का ठीक है तो फर्निशिंग में क्या होगा कि यहाँ पे पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे इसको वॉल्स को बताना है ठीक है एक सेकेंड ओके पहले फर्निशिंग में जाएंगे ये हमारा फर्निश का ऑप्शन होता है तो यहाँ पे पहले तो आप एरिया बता दीजिए ठीक है फिनिश करेंगे यहाँ पे एंड देन वॉल सेलेक्ट करनी है एंड देन फिनिश ट द होल ले तो ये क्या करते हैं ये फर्निशिंग के लिए काम आता है तो अगर आपको कोई फर्निशिंग का काम करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन काफी बड़ा एरिया है तो हम यहाँ पे फिट ही करके देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिट करके दिखाता हूँ आपको एंड इन जस्ट फ्यू सेकेंड इट विल जनरेट द्लान मैं कह रहा हूं ना ये बहुत तकड़ा रेवोल्यूशन है ठीक है एंड यू कैन सी ऑटोमैटिकली इट इज जनरेटिंग द विंडो एरिया स्पेस इसने किया यहाँ पे डोर्स फ्यूज डब्ल्यू सी कहाँ पे आएगा किधर आएगा मतलब जो रेविट की जो डायरेक्शन है ये उसके हिसाब से इसको सेट कर रहा है कि नॉर्थ कहाँ पे है वेस्ट कहाँ पे है साउथ कहाँ पे है तो उस वजह से ये पोजिशन कर रहा है इसको कम्पलीटली ठीक है सेम गोज फॉर हियर यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स एंड फर्नीचरिंग डाउन स्केलिंग आपके स्केलिंग वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो ये मेन चीज है चलिए अब इसको थोड़ा सा प्लान करते हैं ठीक है लेट सपोज मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से प्लानिंग कर लेता हूँ ठीक है अब मैं प्लान थोड़ा सा रेंडमली करूंगा तो डोंट टेक इट मतलब थोड़ा इसको देखेगा आराम से तो आई एम जस्ट डूइंग एज लाइक जस्ट मैं प्लान करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे काम करेंगे uh, एंड ठीक है आई जस्ट डेड इट ओके ठीक है इट जस्ट एज एज एन एग्जाम्पल तो यहां जाते हैं और नेक्स्ट आते हैं पे ठीक है पे क्या करना है मैं करता हूं इसको सिलेक्ट सिलेक्ट एंडक्टेड एंड सिलेक्टेड ठीक है फिनिश करो एंड देन वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे देन फिनिश मतलब जो फर्निशिंग है वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं मैंने बस कुछ नहीं किया खाली मैंने बस वॉल्स वगैरह बना दी और उसमें अब क्या है अब के केस में मैंने क्या किया? कि का काम कर लिया यानी कि जो फर्नीचर लेआउट है वो कैसा होगा वो इसके थ्रू भी हो सकता है अगर आपने वॉल्स बना रखे इन दैट केस ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से जनरेट हो रहा है यहाँ पे आप सर्कुलेशन बता सकते हो आप अपना ये बता सकते हो कि जो डोर है यहाँ पे जो डोर है वो कहां ओपन होगा आउटसाइड होगा ठीक है या इनसाइड होगा

कि आप ऐसा कुछ सिर्फ एक प्लग इन और एक क्लिक से आपको इतने ऑप्शन मिल रहे हैं तो यू हैव ह्यूज वेराइटी ठीक है अभी जो मैंने करके दिखाया वो बस एक प्लान था नाउ लेट सी वॉट इट कैन डू तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास साथ में यहां पे आता है एक जनरेट का ऑप्शन वॉल लैब में ये भी काफी यूनिक ऑप्शन है तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक प्लान ठीक है एंड ऐसा कुछ मैंने ऐड किया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया प्लान इस पे गए ठीक है एंड क्लिक uh, किया एंड जस्ट यू सिलेक्टेड फिनिश एंड क्लिक तो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक uh, ये थोड़, थोड़ा सा जनरेट करेगा जस्ट वेट फॉर सेकेंड सी सिर्फ कुछ छोटे से एरिया में इसने क्या किया ये uh, एक लिविंग स्पेस तैयार कर दिया इसने ठीक है तो ये क्या होता है जनरेट ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन तो देखिए तीन इसने ऑप्शंस बना दिए ये देखिए ऑल ऑप्शंस प्लानिंग अकॉर्डिंग करना है जनरेट कैसे करना है बीट आपको डब्ल्यू सी रखना है नहीं रखना है। ठीक है स्टोरेज वो सब सेपरेट किचन देना है वॉक इन क्लोजेट वो आप बता सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीज काफी दी हुई है ठीक है सी अदर तो मैं एक ऑप्शन ऑफ कर रहा हूं यहाँ पे सेपरेट किचन रखते हैं एंड सी सो इट इज जनरेटिंग द लेआउट ओके तो एक ऑप्शन इसने जनरेट किया एंड हिट ऑन ओके तो एक छोटा सा इसने एक एरिया बना के दिखा दिया बस ये बेडरूम का थोड़ा सा रह गया यहां पे तो इसकी कुछ एक छोटी बहुत आप मान सकते हैं ठीक है छोटा सा मिस्टेक है आप चाहें तो इसको यहाँ पे मूव कर लें एंड यू विल गेट स्मॉल अपार्टमेंट काइंड ऑफ कि यहाँ पे इस प्रॉपर एरिया में आप बना सकते हैं ठीक है तो इशर मीटिंग मेकिंग एन अपार्टमेंट और आप प्लानिंग कर रहे हैं बहुत फास्ट काम करना है आपको आपके पास समय नहीं है बॉस का आपके ऊपर प्रेशर आ रखा है वो कह रहा है कि जल्द से जल्द प्लान बना के दे वरना मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा तो आपके पास अगर ये ए टूल है तो घंटों का काम आपका मिनटों में हो सकता है आई गेस सेकेंडो में हो सकता है मैं तो बहुत मिनटों में तो बहुत दूर की बात है आप सेकेंड्स में तैयार कर सकते हो तो यू हैव दैट स्किल यू कैन जनरेट अ ले आउट इंटू अ सॉफ्टवेयर विद दिस थ्री ऑप्शन और ये बस फ्री ट्रायल है अगर आप इसका पेड खरीदेंगे तो फिर तो पता नहीं आपको कितने मिलने वाले हैं तो इफ़ यू टू दिस थिंग द द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हो प्लान फाइंडर काफी यूनिक वेबसाइट है वहां <laughs> से आप डाउनलोड करके कर, यूज कर, कर सकते हो सो दिस इज द पावर ऑफ ए आई तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज क्या था मैं जरा थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ पर्पज uh, ये है कि हम आपको पूरा एक आई ओपनिंग कर रहे हैं आप ठीक है लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी ना तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये तो नौकरी खा जाएगा कर रहे हैं हम आपको अवेयर कर रहे हैं इस चीज से कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रूल ओवर वर्ल्ड अगर आप एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते ना तो फिर आपका फ्यूचर बिल्कुल फिनिश्ड है एक रिपोर्ट अभी आई थी बिजनेस की लेट मी टेल यू दैट इट विल अफेक्ट 300 हंड्रेड मिलियन जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अगर आप खुद को डेवलप नहीं करोगे अपने आप को लिए नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे इसमें बहुत से लोग आगे निकल जाएंगे एंड आप फिर खुद को ही कोसते रहोगे और आप बाद में खुद को ही गाली दोगे कहोगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं हमें तो किसी ने सिखाया नहीं तो प्लीज गेट अवेयर सेल्फ ओके तो ये बहुत सीरियस मामला है इसको लाइटली मत लेना कि आप ये कहो कि यार ठीक है ये तो आप तो बस ऐसे ही बता रहे हो इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट दिस इज अ सीरियस थिंग अगर ए ऐसा काम कर रहा है तो आगे जाके तो पता नहीं ए आई क्या क्या नहीं कर सकता आगे जाके हो सकता है वो पूरा बिल्डिंग डिजाइन कर दे फिर बैठे रहें ना आप, आप फिर आगे जाके आर्किटेक्ट वगैरह इन सब की क्या सुरक्षा पड़ेगी तो वी कांट इमेजिन द फ्यूचर ये तो भी बस शुरुआत है पार्टी अभी शुरू हुई है इट्स नॉट द एंड इट्स द स्टार्ट इट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फ्यूचर तो आने वाले समय में आपको एक बहुत यूनिक फ्यूचर मिलेगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट में टिका रहा तो अपने हथियार उठा लो और अपने आप को इतना स्किल्ड बनाओ कि कोई आपको टक्कर ना दे सके आपको कोई कंपटीशन दे ना पाए क्योंकि पहले तो लड़ाई सिर्फ सॉफ्टवेयर और इंसान से थी अब सॉफ्टवेयर और ए से हो गई है तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां चला गया ना तो फिर आप यहाँ के यहाँ रह जाओगे फिर आप गए गर्दिश में तो कुछ को ऊपर उठाना पड़ेगा तो यू हैव टू स्किल योर सेल्फ देन लर्न द सॉफ्टवेयर लर्न योर स्किल्स और स्किल्स कहाँ से आप सीख सकते हो

जितने भी कोर्सेज के लिंक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड भी मिलेंगे लाइव भी मिलेंगे और हाँ लाइव या, से याद आया कि मेरा जो कोर्स है रेविटी का उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है करंटली वो भी लाइव चल रहा है और अगर आपको बिगनर सीखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स uh, मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट्स फाइल से लेके प्रीमियम फाइल्स एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स विल गेट द सर्टिफिकेट विच कैन बी वेरीफाइड इन एनी वेबसाइट ओके बहुत कमाल की चीज है मिस मत करो अगर मौका गया तो फिर फिर कुछ नहीं हो सकता फिर मैं भी आपको नहीं बचा सकता <laughs> तो बस आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा क्योंकि तो ऐसे वीडियोस बनाने में मेहनत में बहुत लगती है भाई बहुत मेहनत लगती है यू कैन आपको बस दिख रहा होगा वो बस स्क्रीन आ रही है मोबाइल ऑन एंड ऑन लैपटॉप